हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ वो आगे भी जीते और एमएस धोनी मेरा फेवरेट है। और जैसे आपने अभी बात की गायकवाड़ ने जिस तरह से परफॉर्म किया आज बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, वो एज अ कप्तान ने आज परफॉर्म करके दिखाया और हमेशा से वो परफॉर्म करता आया भी है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मैचेस में इंसान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, मजाक रख दिया भाई इनको कप्तान नाइट राइडर्स को, जब सीएसके ने चेन्नई सुपर किंग ने केकेआर को भजाक रख दिया और गौतम गंभीर साहब को ये बताया एमएस धोनी ने कि 2011 का वर्ल्ड कप सिर्फ छक्के की वजह से नहीं थे जीते, मतलब क्योंकि गौतम ने बोला था ना कि जी ऐसे लगता है कि जी 2011 का वर्ल्ड कप एमएस धोनी छक्के की वजह से जीते थे और चेन्नई जीत गई। घर में तो चेन्नई फेल होती है और वही जो स्लो और लो किस्म की पिचेस है, लेकिन अगर आप मैच पर नजर डालें तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खेल अपनी मर्जी से ही शुरू किया था, नए बॉल से उन्होंने चार्ज किया, अच्छे रन बनाए, लेकिन ऑल ऑफ द सडन पिच को पड़ते हुए जैसे ही रविंद्र जडेजा का इंट्रोडक्शन हुआ एक ओवर में उनके पहले ही दोनों विकेटें आ गई और सुनील नारायण की विकेट बड़ी की आजकल बन गई है इस सीजन में कलकत्ता की, क्योंकि वो जिस तरह से चार्ज कर रहे हैं लेकिन आज वो उस पेस से नहीं खेल पा रहे थे, वो जो एक तरह से पागल पने वाली बैटिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पिच में वो बात थी नहीं। हालांकि जितने क्रिटिक और एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह था कि ये पिच बेहतर है, इस पे बन जाएंगे 170-180 रन। आप चेस कर रहे हैं, आपको पता है कि कितना करना है, तो आप मजे से खेलें और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेंसिबल इनिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये फायदे होते हैं कुछ जो आप चेस करते हैं, एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है। हल्का फुल्का अगर ड्यू का भी बीच में असिस्टेंस मिल गई, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड रन रेट का कोई प्रेशर था ही नहीं पहली गेंद से, और भी पावर प्ले में जब 50 आ गए तो आगे तो देखिए रन बॉल ही था, सिर्फ किसी तरीके से इन्होंने थोड़ा गेम को डीप लेके जाना था, एंड पे दुबे ने वो छक्के छक्के मार के बस कहानी खत्म, ये 2-3 ओवर पहले काम खत्म हो जाना था और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और शाबाशी बनती है सीएसके की पूरी टीम को, उनके बॉलर्स को, उनका मतलब जो भी माइंड्स हैं जिन्होंने ये आज प्लान किया कि कैसे हमने रोकना है। और जब वो बॉलिंग करने भी आए थे इट लुक लाइक दैट दे हैड प्लान अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर। जी बहुत कमाल का खेला उन्होंने, बहुत अच्छी उन्होंने सिफ्टी किया। और आप एम एस धोनी का भी कह रही थी कि एम एस धोनी का एक्सपीरियंस उनके साथ जो है वो बहुत मैटर करता है, फैक्ट तो वो बहुत बेहतर है और वेरी गुड सिफ्टी, आई एम रियली इंप्रेस्ड। यहां 2011 के वर्ल्ड कप में हमारी सबकी भी कंट्रीब्यूशन थी हम आपकी कंट्रीब्यूशन में मानता हूं, लेकिन एम एस धोनी ने ये बता दिया कि चाहे आप इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच हारे नहीं थे, आप इस टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटन जा रहे थे, लेकिन हमारे आगे आगे बजा के रख दी आज भजन सीएसके ने केकेआर की। देखिए ये लफ्ज यूज करूंगा मैं इधर, क्योंकि गौतम गंभीर को हार पसंद नहीं है और एमएस धोनी को हार पसंद नहीं है, फिर आज आपने देख लिया कि बड़ा माइंड एमएस धोनी का ही है, बिग माइंड क्लेवर माइंड एमएस धोनी का ही है और सिंगल हैंडल ही रहा है। वन साइड मैच था, तकरीबन फुल वन साइड मैच था कि केकेआर को ना बैटिंग में अपने पास आने दिया और ना बॉलिंग में अपने पास आने दिया। 45 बॉलों की 50 है लेकिन उसको दुबे ने ऊपर नीचे छक्के छक्के मार दिए, डैरिल मिचेल का कैच रविंदर साहब ने छोड़ दिया, डैरिल मिचेल वही टिपिकल इनिंग्स खेलेगा, आप जो मर्जी कर ले। फर्क क्या, फर्क यह था कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आपको पता होता है कि आपने 137 रन बनाने हैं, आपको एक अच्छी इनिंग बीच में किसी की चाहिए होती है, वो 3 छक्के दुबे ने लगा के मैच चेंज कर दिया। yes, लेकिन इस विकेट ने सरप्राइज किया, देखिए चेन्नई जीता तो 14 गेंदों पहले, लेकिन बात यह कि अगर कलकत्ता नाइट राइडर इस विकेट पे 165 रन तो बना सकती थी, इतनी स्ट्रेंथ इतनी स्किल्स उनके पास मौजूद है, लेकिन हुआ क्या कि वही हुआ कि श्रेयस अय्यर ही खड़े हो गए लंबा और वो रन बॉल खेलते रहे, मतलब उनके पास से कभी भी आपको 29-30-31 गेंदों पे 40 रन भी नहीं दिखेंगे ऐसी विकेट से, तो रन बॉल खेलने की वजह से सुस्त रवि की वजह से 137 रन बने। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आंद्रे रसल को आज बहुत ज्यादा 8वें नंबर पे रखा, रिंकू को भी उससे पहले भेजा, देखे उसकी लगी हुई थी फॉर्म, वो है पावर पैक हिटर, अब विकेट जैसी भी हो वो ताकत से शॉट मारता है, अगर उसकी चलो मैं ज्यादा नहीं अगर वो 8-10 गेंदों पर पहले आकर 20-25 रन बना देता तो लड़ने वाले रन मिल जाते हैं इनको कम से कम। हर प्लेयर के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने प्लानिंग की हुई है, और कुछ खैर वो बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव खेलने के चक्कर में एट पार टोटल पे भी नहीं पहुंचे, 155-160 वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, बीच में एक प्रेशर भी बनता है, लेकिन 137 पे आप T20 के मैच में या तो एक्सट्रीमली कोई रैंक टर्नर हो जाए, कोई 5वें दिन की टेस्ट की पिच फिर जाके बात बने, वरना कहां रुकता है भाई। तो मोहसिन साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली वन साइडेड मैच एट द एंड ऑफ द डे एंड ग्रेट विक्ट्री फॉर सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, भाई आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है और ऐसे ही नहीं वो टूर्नामेंट छोड़ देगी। आज उन्होंने साबित किया शानदार किस्म की विक्ट्री अपने नाम की है, सीएसके ने केकेआर को हरा दिया, वो केकेआर जो लगातार मैचेस जीतती आ रही थी, मैंने भी किया था सीएसके को लेकिन फिर भी केकेआर बड़ी खतरनाक टीम थी, आज एकदम से ना कोलैप्स हो गई केकेआर, बिल्कुल वो पता चला था सीएसके होमवर्क करके आया था अपना जबरदस्त किस्म का होमवर्क करके आया, उन्होंने सही पकड़ा हुआ था इनको, सारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी केकेआर के प्लेयर इन फॉर्म थे लेकिन कोई चल ना पाया, दोनों डिपार्टमेंट में बॉलिंग में बैटिंग में फील्डिंग में कप्तानी में सीएसके ने आज प्रॉपर डोमिनेट किया। और एमएस धोनी ऋतुराज गायकवाड़, देखिए एमएस धोनी की आज के मैच में बड़ी ज्यादा पीछे एमएस धोनी का बहुत दिमाग था, एमएस धोनी की बड़ी थॉट्स थी पीछे, देखिए आपने गौतम गंभीर को अगर हराना है ना तो
ऑब्वियसली फिर एमएस धोनी जैसे बंदे को कम्पीट करना पड़ेगा, ये बात है ना। अब ऋतुराज गायकवाड़ तो बचे आना, वो आप क्या करेगा। गौतम गंभीर जैसे बंदे को माइंड आपने अगर बीट करना है तो फिर एमएस धोनी जैसे बंदे को मैदान में आना पड़ेगा। और वो आज करके दिखा दिया जी, बजा के रख दिया भाईजान आज सीएसके ने। सीएसके ने पांच में से अपने तीन मैच जीत लिए हैं, दो ये बैक टू बैक हार के आ रहे थे और एक टाइम लग रहा था कि यार जिस तरह ये चेन्नई से बाहर गए हैं और चिपक स्टेडियम से, तो इन्होंने हारना शुरू कर दिया, लेकिन आज दोबारा वापस आए हैं और आज बजा के रख दिया। देखिए अगर ये डैरिल मिचेल को तीन में ना भेजते, फर्ज करें दुबे या रायना को भेजते, वो शायद डैरिल मिचेल से ज्यादा मारता, लेकिन इन्हें पता था चौदह माले पहले कंप्रिहेंसिव, वो वैसे ही आउट हो गया दुबे वहां 135 विकेट, कंप्रिहेंसिव वन साइडेड आउटस्टैंडिंग ट्रैप सेट किया केकेआर के लिए। और ये इनका राइट है सीएसके का या जिस भी टीम का, अगर आपके होम ग्राउंड में जा रहे हैं आप पेसी विकेट बनाए, आप जूसी विकेट बनाए, आप स्पिनर्स पैराडाइज बनाए, इट इज योर राइट। देखिए बड़ी टीम जो होती है ना वो जानती होती है, देखें जब जडेजा ने जिस तरह की बॉलिंग की, देश पांडे ने जिस तरह की बॉलिंग की, फिर एक मोमेंट ऐसा भी लगता था कि चले अगर केकेआर स्लो खेला इनकी विकेट ली है तो चेन्नई का भी क्या पता ऐसे हो सकता है चेन्नई को भी पकड़ ले केकेआर के बॉलर्स, लेकिन नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने लीड किया फ्रंट से, कैप्टन थे, शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मैच जितवाया और द ग्रेट एमएस धोनी भी क्रीज के ऊपर आ गए थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। मैं इसको बिल्कुल अग्री, फर्क क्या है, फर्क ये है रिजवान साहब कि गायकवाड़ की तो इनिंग जस्टिफाई करती है 45 बॉल की 50, उसे पता था, साथ में जो है ओवर रन बॉल 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बेशक 15 किया है रचिन ने, और नीचे देखे डैरिल मिचेल 100 प्लस का स्ट्राइक रेट, और इसका दुबे का तो आपके सामने है क्या स्ट्राइक रेट था, 28 रन 17-18 बॉले, बेहतरीन, तीन छक्के, काम खत्म। अब अगर आप ये देखें, अगर सीएसके प्रेशर लेती, फर्ज करें अजिंक्य रहाणे ऊपर से जैसे रचिन आउट हुआ था रहाणे आ जाता, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, गायकवाड़ टॉक टॉक, रहाणे टॉक टॉक, डैरिल मिचेल भी टुक टुक किया वहां पे, अगर वो कैच रमनदीप साहब पता नहीं कौन सा कैच पकड़ रहे थे लेकिन कैच छूटते हैं, मैं ये बात मानता हूं, धोनी ने भी आज कैच छोड़ा है रसल का, वो और बात है, उसमें नुकसान नहीं हुआ। आयर जो है देखे गायकवाड़ की इनिंग जस्टिफाई करके विनिंग काज में 14 बाले पहले पता था सारा कुछ, यू विल 110% टेक दिस इनिंग, आप किसी भी सूरत में इसको नहीं इनिंग्स को कह सकते कि ये भाईजन बेकार है या थर्ड क्लास है, 9 चौके आ गए, आखिरी चौके से जीत आ गई, वह 115 का स्ट्राइक रेट आ गया, इट्स ओके इट्स ओके। देखे अगर वहां पे वो बेवकूफी ना करते, और फिर देखे रॉय को लगा दिया, रॉय को लगाया उसने दो छक्के मारे, और मैच तो मैं पहले ही खत्म था, ऐसी बंदा गए, वरुण चक्रवर्ती ने पहले दो ओवर बहुत अच्छे कर लिए, अरोड़ा ने वैभव अरोड़ा ने कुछ बेहतर किया, मिचेल स्टार को देखे। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।